हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स हम लोग कर रहे थे नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हमने कई विचारकों के बारे में लास्ट वीडियो में जाना था, महात्मा बुद्ध की कहानी को जाना था, और हमने जाना था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा था लोगों के जीवन में, तो कई विचारक जो हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये अचानक से परिवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, जीवन का जो सच्चा अर्थ है उसको जो है वो जानने की कोशिश सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। वहीं पर महात्मा बुद्ध के बारे में हमने जाना था कि महात्मा बुद्ध जो है वह खुद ही जो है वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो लोगों को जो है वह उनकी भाषा में यानी प्राकृत भाषा में जो है उपदेश देने लग जाते हैं, और ये बताते हैं जीवन के बारे में कि ये जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, और इसका एकमात्र कारण क्या है, व्यक्ति की इच्छा है। ठीक है, यदि व्यक्ति जो अपनी इच्छा को जो है सीमित कर दे या अपनी इच्छाओं को जो है अपने ऊपर हावी ना होने दे तो यह जीवन जो है उसका सुखमय व्यतीत होगा। इसी तरीके से कई विचारक जो हैं वो अपने अपने विचार देते हैं। कई बोलते हैं कि जो भी अनुष्ठान हो रहे हैं, जो भी यज्ञ हो रहे हैं, इनका क्या उपयोग है, इनका क्या फायदा है। नेक्स्ट जो है एक और धर्म है जैन धर्म, तो ये भी उसी समय का है। इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हैं वर्धमान महावीर, इन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में जो है वो हमने किसमें पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बज्जी संघ था वह कई कुलों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक कुल था जिसका नाम था लिच्छवी कुल, तो इसी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर स्वामी। ये चीज़ आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी है। वहीं हमने जो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था तो बुद्ध जो थे वो भी क्षत्रिय ही थे। इस संघ के विषय में जो है अध्याय 5 में पढ़ा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप लोग कि 42वें वर्ष जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी शिक्षा जो थी वह भी सरल थी, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध की थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, अगर सत्य की खोज करनी है तो जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही घर छोड़ा था, इसी तरीके से प्रत्येक स्त्री पुरुष को यदि सत्य को जानना है तो सबसे पहले उसको घर त्यागना होगा। उन्हें अहिंसा के नियमों का जो है वो कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, कि अहिंसा पर जो है वो बल किसने दिया, तो याद रखना है जैन धर्म के जो 24वें वो अंतिम जो तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर स्वामी, इन्होंने जो है वो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो जैनों को हम देखते हैं छोटी से छोटी जो जीव होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं कि कहीं जो है गलती से उनके पैरों के नीचे ना आ जाएं। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वह भी प्राकृत में दी। याद रखना है दोनों की, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों ने ही अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी। ये मेरी जो भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को ये लाइनें याद रखा करिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों का कहना होता है एनसीईआरटी में तो कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर इनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी वह मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उनको सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को जो है वस्त्रों सहित सब कुछ जो है वो त्याग देना पड़ता था। तो आपने जो है जैनी महात्मा देखे होंगे, तो वो लोग जो है वो भिक्षा मांगकर जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो है पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, यहाँ तक कि जो पुरुष हैं वह तो वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं।
अब इस बॉक्स में देखिए, जैन शब्द जो है वह जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनको, ठीक है, तो इसलिए उनको विजेता कहा गया। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए क्या किया? घरों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यदि सत्य की खोज करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो गृहस्थ जीवन को त्यागना होगा। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणु बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः जो है व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, जैन धर्म का समर्थन जो है वह किसने किया मुख्यतः? तो व्यापारियों ने किया। हालांकि किसान जो थे वो भी अपनाना चाहते थे इसे, लेकिन इनके नियमों का पालन जो है बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकौड़ों को तो मारना पड़ता था। तो बाद की सदियों में जैन धर्म जो है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक जो है किस रूप में रही? मौखिक रूप में रही, लेकिन बाद में यानी वर्तमान में जो है वो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व जो है कहाँ पर लिखी गई? गुजरात में बल्लवी नामक जो स्थान है इसमें लिखी गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1500 वर्ष पहले मौखिक रूप में व्याप्त थी, उसके बाद जो है इसे गुजरात में एक स्थान है वल्लवी नामक स्थान, यहाँ पर जो है महावीर स्वामी की जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं इस स्थान पर लिखी गई। मानचित्र 7 और पृष्ठ 105 देखें, तो ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें ये देखिए गुजरात में है वल्लवी नामक स्थान, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बल्लवी कहाँ है? यहाँ गुजरात में है, और यहाँ सबसे पहले जो है वो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं आपको लिखित रूप में यहाँ पर मिली हैं। उसके बाद देखें संघ। महावीर तथा बुद्ध जो है दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करके करने वाले लोग जो हैं वो एक साथ रह सकें। तो संघ का अर्थ ही क्या होता है? संगठन होता है, यानी कुछ लोगों का जो है एक समूह बन जाना, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने ही क्या बोला, जो समानता है वो चीज़ ध्यान में रखना है। इन दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही जो है वो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो एग्ज़ाम में जो है आपको अंतर भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है दोनों में समानता क्या थी, अहिंसा शब्द का प्रयोग जो है वह किसने किया, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो इसमें क्या पता लगता है विनय पिटक में? इसमें जो है वो नियम कानून जो है वह है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है। तो इसमें यह पता लगता है कि पुरुष और स्त्रियों के रहने की जो है वो व्यवस्था किस प्रकार थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को तो इसके लिए अपने पति से जो है वो अनुमति लेनी होती थी। तो ये कुछ जो है वो नियम थे, और ये किसमें थे? ये विनय पिटक नामक ग्रंथ में थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो है वो बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय जो है वो ध्यान करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर जो है वो भिक्षा मांगते थे। ये भी एक समय जो था वो इनका निश्चित था कि इतने समय में ही जो है, इस समय में ही जो है वो डेली भिक्षा मांगनी है, ठीक है। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिक्कुणी, साधु भिखारी के लिए जो प्राकृत शब्द कहा गया, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया? भिक्कु भिक्कुणी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसे लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की थी। तो पिछले अध्याय में जो है संघ
और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में जो है दो भिन्नताएं, बताओ क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? तो आपने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा है, जहां महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था, वज्जी संघ के बारे में हमने पढ़ा था उस संघ में, और ये जो संघ है इसमें जो है वो अंतर है, ठीक है? और आपको समानताएं क्या मिलती हैं, तो ये आप खुद ही देख रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती थी वज्जी संघ में भी हमने देखा कि जो भी समस्याएं होती थी वो मिलकर जो है वो सॉल्व किया करते थे, ठीक है, उनकी विचार विमर्श करके। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई समस्या हो जाती थी तो जो संघ था, संगठन था, ये लोग जो है इसको निपटाते थे। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि कार्ले की गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्कू भिक्कुणी जो है वो इन शरण स्थलों में रहकर जो क्या करते थे, ध्यान करते थे, ठीक है? तो ध्यान रखना है कार्ले की जो गुफा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये जो है वो पहाड़ी को, ये जो क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी को जो है वो काट कर जो है ये क्या बनाई गई, गुफा बनाई गई। यहाँ पर जो है वो क्या करते थे, ध्यान करते थे। नेक्स्ट देखिए, विहार क्या होता है? तो जैन तथा बौद्ध जो है भिक्कू पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कई कीड़े मकौड़े जो हैं वो निकलते हैं, आप देखते हैं, तो कहीं इनके पैरों के नीचे जो हैं वो ना दब जाएं, ना मर जाएं, इस वजह से ये जो हैं एक जगह पर रहने लगते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास, यानी कि ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ वर्षा ऋतु में जो है बाहर ना जाएं, एक ही जगह पर रहें, तो इनका प्रबंध किया जाता था, अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में ये लोग रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्कु भिक्कुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तो पहले तो एक जगह से दूसरी जगह ये भ्रमण किया करते थे और अपने उपदेश दिया करते थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनको भी अनुभव होने लगा कि हमें भी जो है एक स्थायी जो है रहना चाहिए, एक ऐसी जगह जो है हमारे लिए भी होनी चाहिए। तब कई शरण स्थल जो है वो बनाए गए, इनको कहा गया विहार, ठीक है? तो ध्यान रखना है स्थाई शरण स्थल जो है इनको विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में जो है वो ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो विहार जो है वो किसके बने, लकड़ी और ईंटों के बने, पहले लकड़ी के फिर ईंटों के। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, यानी कि एक महासागर है उसमें कई जो है वो नदियां आकर गिर रही हैं, तो इन नदियों की पहचान ही समाप्त हो गई, ये जो है वो एक पूरे महासागर में मिल गई, कौन सी गंगा थी, कौन सी यमुना थी, ये सब पहचान उनकी समाप्त हो गई, वो तो एक महासागर में एक हो गई। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो किस वर्ण से आए हैं, किस श्रेणी से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, ये सब कुछ उनका पीछे छूट जाता है, ठीक है, और ये सब कुछ त्याग देते हैं, तब वो केवल क्या कहलाते हैं, एक भिक्षु कहलाते हैं, एक भिक्षुणी कहलाते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब आप सभी जानते हो कि इनके पास तो धन नहीं होता था, ठीक है, ये अतिरिक्त तो धन रखते ही नहीं थे और केवल जो है वो भिक्षा लेकर क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो धनी व्यापारी हैं, धन है जिनके पास, राजा हैं, भूस्वामी हैं, ये लोग जो हैं वो दान में दी गई भूमि पर जो है विहार का निर्माण करवाते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्कु भिक्कुणियों के लिए जो है भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। जहाँ पर ये लोग जो है अपना स्थायी निवास बना लेते थे तो वहाँ पर जो है लोग जो आसपास के होते थे रहने वाले, वो भोजन, वस्त्र और दवाइयों का प्रबंध करते थे। इसके बदले ये क्या देते थे, तो भिक्कु और भिक्कुणी जो है वो लोगों को जो है अपने उपदेश, शिक्षा दिया करते हैं। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और जिसके बारे में हम जो है चैप्टर नंबर 9 में जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो देखिए, हमने पढ़ लिया है 2500 वर्ष पहले जो काफ़ी परिवर्तन हुआ था, जैन
आए, बौद्ध धर्म के अनुयायी आए, ठीक है, और उसी वक्त जो है वो ब्राह्मण भी आए। तो ब्राह्मणों ने अपनी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि जीवन के एक चरण से है, जिसमें आते हैं चार चरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। तो चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर केवल वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम जो है इसके अंतर्गत तो उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वहीं वानप्रस्थ के अंतर्गत तो उन्हें जंगल में रहकर जो है साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का जो है कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि वानप्रस्थ में जो है वो जंगल में जाकर जो है वो साधना कर रहे हैं, और उसके बाद का जो जीवन है वो तो हर चीज को त्याग कर, ठीक है, सन्यासी बन जाना था। तो यहाँ पर जो है ये जो चार आश्रम बताए गए हैं तो इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ध्यान लगाने पर बल दिया गया। प्रायः स्त्रियां जो थीं उनको वेद पढ़ने की यहाँ अनुमति नहीं थी, उन्हें केवल अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले जो आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यहाँ चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अन्यत्र में देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बॉक्स इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिले हैं। तो यहाँ पर हमें जो है क्या ढूंढना है, ईरान ढूंढना है एटलस में। जरथुस्त जो है वो एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी जो शिक्षाओं का जो संकलन है वह जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्था की जो भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से जो है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, कि जो जरथुस्त थे इनकी जो मूल शिक्षा का जो सूत्र है वह क्या है। तो आपको ये शब्द ध्यान में रखने हैं, सद विचार, सद वचन, सद कार्य, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होती है वो मैं आपको जरूर बताती हूँ, और आपको ध्यान में भी रखनी है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट में जो है वो लिखते जाएं, ठीक है, कि जरथुस्त जो है वो क्या थे, एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, और इनकी जो मूल शिक्षा का सूत्र है वह है सद विचार, सद वचन और सद कार्य। इतना ही आपको लिखना है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। तो ये जो है अपनी शिक्षा में कहते हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो ये चैप्टर जो है वो आपका होता है कंप्लीट। अब हम इसके जो उपयोगी शब्द देखते हैं, जिनको हमने जाना, तृष्णा को जाना हमने, प्राकृत यानी सामान्य, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद को जाना, गुरु के समीप बैठना, जैन धर्म, इसमें अहिंसा शब्द का प्रयोग हुआ है, भिक्कू यानी जो भीख मांगकर जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, संघ हमने देखा, संगठन, कुछ लोगों का समूह, विहार, ठीक है, जो स्थायी निवास जो है, जो कि राजा धनी व्यक्तियों के द्वारा जो दान में दी गई भूमि थी उस पर जो है इन भिक्कू भिक्कुणियों ने क्या बनाए, अपने स्थायी निवास बनाए। आश्रम, चार आश्रमों का वर्णन हमने देख लिया है। अब हमें जो है वो प्रश्न देखने हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन-किन बातों पर जोर दिया? तो इसमें जो है आपने चैप्टर जब अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने जो है वो शिक्षा क्या दी थी। इन्होंने जो है कहा था कि जो मनुष्य का जो जीवन है वह जीवन कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, और ऐसा जो है वो किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इच्छाएँ हैं, लालसाएँ हैं, ये इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या कहा था, इसको इन्होंने तृष्णा कहा था, और कहा था कि जो है आत्म संयम जो है अपना कर जो है इस लालसा से जो है वो हम मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा जो है इन्होंने क्या कहा था, ध्यान रखें, उन्होंने ये भी कहा था कि लोग जो है इस शिक्षा को केवल इसलिए नहीं उसको उनको स्वीकारना है कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने जो है वो दिमाग का प्रयोग करें, अपने जो है विवेक को मापें, ठीक है।
ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि उन्होंने जो है कहा लोगों को कि जो है दया भाव रखनी चाहिए मनुष्यों और जानवरों के लिए, ठीक है, और इनका सबका जो है वो आदर भी करना चाहिए। ये भी कहते हैं महात्मा बुद्ध कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों बुरे हों, ये सब जो है वो हमारे वर्तमान जीवन भविष्य के जीवन को इफेक्ट जरूर करते हैं। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। देखिए चैप्टर पढ़ने का मतलब यही होता है कि जैसे ही अभ्यास प्रश्न आते हैं आपको फटाफट से जो है वो इनका आंसर जो है वो आना चाहिए। सही व गलत वाक्य बताओ, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो बताइए क्या ऐसा हुआ था, हमने पढ़ा था क्या? नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा, ये गलत लाइन है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा तो लगता ही नहीं है कि ये चीज़ हमने चैप्टर में नहीं देखी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ऐसा था? ये तो नहीं है, ये तो गलत बात होगी। बल्कि ये क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम जो है चाहे अच्छा हो बुरा हो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित तो करता ही है, ठीक है। तो कर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सोचिए आप इस पर कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो क्या ये सही लाइन है? ये तो बिल्कुल सही लाइन है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। ये लाइन आपने क्या इस चैप्टर में पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। थर्ड देखें क्वेश्चन, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो सोचिए फटाफट से, 1 मिनट का समय देती हूँ आपको कि आप क्या सोचते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या होना चाहिए। उपनिषदों के विचारक जो हैं किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो जो विचारक थे वो ये कहते थे, मैंने आपको बताया भी था यज्ञ के बारे में, कहते थे कि यज्ञों की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो ये जानना चाहते थे, ठीक है। और उनके सामने बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चन भी थे, कठिन प्रश्न भी थे, उनका जो है वो आंसर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में जो है मनुष्य को कौन चला चला रहा है, ठीक है, इस जीवन में जो है क्या सत्य है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमसे जो है वो कार्य करवा रही है, ठीक है, और मृत्यु के बाद भी जो है वो क्या है, जीवन है या नहीं है। ये जो जितने भी प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे थे उनका जो है वो आंसर ढूंढने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी जो है वो सोचिए और कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है, हमने क्या पढ़ा है। फोर्थ है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर जो थे ना, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या बताया था? एक तो इन्होंने अहिंसा शब्द जो है इसका प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि अहिंसा के जो नियम है इसका हमें पालन करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जीव को जो है वो कष्ट देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी छोटे बड़े जो जीव हैं इनको जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है, तो हमें इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो जीवन है, यानी कई लोग देखते हैं ना कि फटाफट से जो है वो हार मान जाते हैं जीवन से और सुसाइड कर लेते हैं, तो ये जो जीवन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हार नहीं माननी चाहिए। इसके अलावा महावीर स्वामी ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य की इच्छा रखता है तो भाई उसको जो है वो घर त्यागना होगा। ये वही लाइन है कि यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो त्यागनी होंगी। कंप्लीट, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उपनिषदों के विचारक जैन महावीर बुद्ध 2500 वर्ष पहले, जैन ग्रंथों का लेखन जो है वो 1500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।